नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में Xiaomi ने अपना Mi 11i सीरीज को इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे लेवल का देने को मिलता है। लेकिन कुछ दिन बाद आपको जो है Redmi का Note 11 सीरीज भी इंडिया में देने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम जो आ रहा है वो Redmi Note 10 सीरीज के साथ है कि Redmi Note 10 सीरीज है उसमें आपको कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कई सारे लोगों का कैमरा डेड हो चुका है और वारंटी भी अच्छे तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आपको बताओ कि Redmi Note 10 सीरीज काफी अच्छा डिवाइस था, उसके अंदर आपको जो है स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा दिया गया था, प्लस में कैमरा सेटअप वगैरह भी काफी जबरदस्त है Redmi Note 10 सीरीज का। तो यहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम आया है वो Redmi Note 10 Pro और Max में देखने को मिला है कि कैमरा डेड हो जाता है ऑटोमेटिक। अब ये कैसे हुआ है? तो रिसेंटली में पुश आउट किया गया था 12.5.9 का अपडेट, जिसके बाद से कई सारे लोगों का फ्रंट कैमरा डेड हो चुका है। अब ऐसे कंडीशन को लेकर अगर आप केयर में जाते तो केयर में आपसे पैसा भी मांगा जाता है और कई लोगों का फ्री में भी कर दिया जाता है। तो क्या है कंडीशन सभी को हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो कैमरा डेड का प्रॉब्लम है ये कोई नया नहीं है, इससे पहले आपको देखने को मिला था पोको X2 डिवाइस में और इससे पहले भी कई सारे कंपनी में देखने को मिला होगा। मुझे उतना आइडिया नहीं है, मुझे जहां तक आइडिया कि पोको X2 में सबसे पहले देखने को मिला था और पोको X2 का जितना भी फोन था सभी में आपको कैमरा डेड देखने को मिला था। हालांकि मेरे पास भी था, उसमें भी कैमरा डेड हो ही चुका है। और पोको X2 का कैमरा डेड होने के बाद जब आप लेके जाते हो केयर, हालांकि पोको का कोई भी केयर नहीं है, तो आपको ले जाना पड़ता है Xiaomi वाले में। तो वहां पर ले जाने के बाद वहां पर आपको पैसा मांगा जाता है, अप्रोक्स में आपको जो है 8700 रुपए मांगेगा और बोलेगा कि इसका जो मदरबोर्ड है वो खराब हो चुका है। और ये प्रॉब्लम सभी को देखने को मिला है, जिन्होंने अपडेट किया था उनको भी और जो अपडेट नहीं किए थे उनको भी देने को मिला है। बिकॉज मैंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं किया था, फिर भी मेरे पोको X2 का कैमरा डेड हो चुका है। तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है और सेम क्राइटेरिया को भी अपना रहा है Redmi का Note 10 Pro, उसमें भी आपको जो है भी कैमरा डेड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और यह बहुत ज्यादा है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक आध फोन में देखने को मिला है गलती से, इतना प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि Redmi ने खुद ही ऑफिशियल तरीके से एक्सेप्ट की है कि अभी जो है अपडेट के वजह से कैमरा डेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया कि जिन लोगों का अभी फोन अंडर वारंटी में है तब जाके उनका जो कैमरा डेड हुआ है तो उनका जो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन जिन लोगों का वारंटी खत्म हो चुका है उनसे 10,000 चार्ज किया जाएगा और कई सारे लोगों का जो चार्ज है वो इसे ज्यादा भी लिया गया है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके का स्कैम होता है। मतलब Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुए एक साल भी नहीं हुआ होगा और कैमरा डेड का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया है उस हिसाब से अगर आप देखेगा तो बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका मदरबोर्ड चेंज हो जाता है। ये तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा मांगा जाता है या फिर उनका जो है रिप्लेसमेंट में या फिर मदरबोर्ड चेंज करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसा प्रॉब्लम देने को मिला है। इसके पीछे अगर हम बिजनेस आइडिया की बात करें तो यहाँ पर इसलिए भी होता है, तभी तो आप नया फोन को ले पाए। तो यहाँ पर जो कैमरा डेड का प्रॉब्लम है इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आएगा तभी तो आप नया फोन बाय करोगे, अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो आप बाय ही नहीं करोगे। बिकॉज Redmi जो है 11 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, ऐसे कंडीशन में अगर आपके Note 10 सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो आप क्यों बाय करोगे Redmi Note 11 सीरीज। इसलिए प्रॉब्लम आना भी जरूरी है, तभी तो आप फोन को अपग्रेड करोगे, वरना अपग्रेड तो करने वाले हो नहीं। इसलिए भी कंपनी कुछ इस तरीके से अपडेट को पुश करती है और उस अपडेट में कुछ ना कुछ बग होता है जिसके वजह से कैमरा डेड हो जाता है। और अभी जो है Redmi K20 है उसका भी फ्रंट कैमरा डेड होना शुरू हो चुका है। बिकॉज मेरे पास Redmi K20 भी है तो उसमें अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों ने फेस किया है कि उनका जो Redmi K20 है उसमें भी कैमरा डेड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको जितने ही बातें बोला हूँ सभी का प्रूफ आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा। बिकॉज अभी इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है और ऐसा इसे पहले पोको में देखने को मिलता था और अभी जो है Redmi के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज कंपनी का मोनोपोली भी इसी तरीके से रहता है कि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा आप फोन को अपग्रेड करोगे नहीं तो कंपनी का फोन तो बिकेगा नहीं। इसलिए भी मोनोपोली कुछ इस तरीके से लाया जाता है जहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आज के इस वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन देने वाला था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।